Let's do question number 7th of exercise 2.1, that is whole numbers. Question number 7th is, in each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line. ये बताना है कि इन दोनों पेयर्स, ये जो दो दो पेयर्स दे रखे हैं उसमें अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो कौन सा पेयर लेफ्ट साइड होगा नंबर लाइन पे. ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है बिटवीन देम. हमें इन चारों पार्ट्स में ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है. तो कैसे करेंगे देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट है 530 एंड 503. तो हम अपना फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा 530 एंड 503. देखिए पहले मैं नंबर लाइन पे बना के दिखा देती हूँ आपको. ये आ गई हमारी नंबर लाइन, मान लीजिए. अब नंबर लाइन पे ये है ज़ीरो, दोनों क्योंकि हमारी ये पॉजिटिव है तो ये मान लीजिए 250 है. फिर हमारा आया 500. अब नेक्स्ट आया हमारा 750. तो अब देखिए, अगर 500 देखें, 500 के बाद कौन सा पहला नंबर आएगा, 503 इन दोनों में से, और फिर कौन सा आएगा, 530. तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये वाला नंबर हमारा है 503 और इसके बाद नंबर अगर मैं ये लिखती हूँ 530, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम अपना लेफ्ट हैंड देखें तो लेफ्ट हैंड ये होता है, तो लेफ्ट हैंड पे कौन सा है, 503. तो हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड पे ज़ीरो के क्लोज़र जो होगा पॉजिटिव साइड. लेफ्ट हैंड का मतलब है पॉजिटिव साइड. ये हमें पता है नंबर लाइन की ये नेगेटिव साइड होती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आ गई हमारी -250, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और इधर वाली पॉजिटिव. तो जितना ज़ीरो के क्लोज़र होगा दैट इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड पे होना आप नंबर का, और जितना ज़ीरो से दूर होगा दैट वो राइट हैंड. अब ये देखिए, ये ज़ीरो से ज़्यादा पास है 530 से, तो ये कौन सा नंबर है जो लेफ्ट हैंड पे है. तो अब हमें क्या बताना था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, और उसको साइन करके हमें बताना है. तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द 530 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर, राइट. तो अगर अब हमें साइन लगाना है, कौन सा साइन लगाना है, ग्रेटर देन और लेस देन का, तो कैसे लगाएंगे. तो देखिए, अब हमें 503 लेफ्ट पे लिखना होगा और हमें साइन लगाना है 530. 530 ग्रेटर है तो जो भी वैल्यू हमारी ग्रेटर आती है उस साइड हम ओपन कर देते हैं इस साइन का. हमेशा हम ग्रेटर वैल्यू को ही पॉइंट आउट करते हैं इसमें. तो देखिए, यहाँ पर हमारी ग्रेटर वैल्यू 530 है तो इस साइड माउथ इसका ओपन है. तो ये था हमारा आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 370 और 307. बी पार्ट लिख लेते हैं अपना, 370 और 307. तो देखिए, अब अगेन नंबर लाइन बनाते हैं. अगर नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमारी नंबर लाइन है और हमने इस पे मार्क करना है कि कौन सा है. तो ये देखिए, ये मैंने ज़ीरो मार्क कर दिया. यहाँ हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो ये 100 लेकिन नेगेटिव का है, और यहाँ हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. तो ये 100 आ गया, ये 200 आ गया, ये मान लीजिए 300 आ गया, और ये आ गया 400. अब 370 कहाँ मार्क आएगा, देखिए ये 400 से कम होता है, ये आ गया हमारा 370, और 307 300 से ऊपर, तो यहाँ आ गया हमारा 307. तो अब आप देखेंगे ज़ीरो के पास ज़्यादा कौन सा है, 307. तो लेफ्ट हैंड पे कौन सा हुआ नंबर, 307, और ज़ीरो से थोड़ा सा दूर 307 पहला नंबर है जो ज़ीरो के पास है, और उसके बाद है 370. तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा नंबर आ गया, 307. तो हम क्या लिख सकते हैं, 307 is on the left
ऑफ 370 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर। तो अब हमें मार्क करना है साइन। अगर हम 307 और हमें साइन मार्क करना है 370 में से, तो मैंने आपको बताया था जौन सा भी बिग होता है, जो भी नंबर बिग होता है उस साइड हमारा माउथ ओपन हो जाता है उस साइन का। तो हमारा ये 370, ये शो करता है कि 370 हमारा बिगर है 307 से। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट इज 98765 एंड 56789। तो थर्ड पार्ट कॉपी कर लेते हैं अपना। सी पार्ट है हमारा 98765 एंड लिख रही हूँ क्योंकि कभी आप कॉमा यहाँ पे भी है तो इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए एंड लिख रही हूँ 56789। तो देखिए इन दोनों में से कौन सा बिगर नंबर होगा। तो अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है और अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे ये जीरो है, राइट। अब इन दोनों में से पहले नंबर कौन सा आएगा, ये वाला 50,000 समथिंग है और ये 90,000 समथिंग है। तो मान लीजिए मैं सारे नंबर नहीं बना के यहाँ पे ये बना रही हूँ कि ये 50,000 आ गया हमारा, राइट, और ये आ गया हमारा 90,000 और ये आ गया हमारा 1,00,000, राइट। अब इसके बीच में देखिए, अब इसके बीच में क्यों, क्योंकि अगर हमें 98,765 करना है तो वो 90 से ऊपर होगा, ज्यादा होगा। तो मान लीजिए वो नंबर हमारा यहां लाए कर रहा है कितना 98,765। अब इसी तरीके से अब हमें 56,789 करना है तो वो अप्रोक्सीमेटली यहां लाए कर रहा है। तो हमने यहां बना दिया 56,789। ये हमें ऑलरेडी प्लॉट करना आता है नंबर लाइन पे कि कौन सा नंबर कहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है। तो देखिए जीरो के पास सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 56,789, और फिर उससे दूर कौन सा आ रहा है, 98,765। तो हमें पता चल गया क्या कि 56789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट पे है, 98765 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर, राइट। अब नंबर लाइन पे लेफ्ट पे है तो दोनों नंबर्स को कंपेयर करा जाए 789 और 98765 को, तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा बिगर है हमारा, ये वाला बिगर है। तो इस साइड हम क्या करेंगे, साइन का माउथ ओपन कर देंगे। तो दिस इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट इज, ये देखिए लास्ट पार्ट है, ये है 98,30,415 एंड लास्ट इज 1,23,001। तो अपने दोनों पार्ट्स लिख लेते हैं। डी पार्ट इज 98,30,415 एंड 1,00,23,001, राइट, ये आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा लेफ्ट हैंड पे लाई करता है वो बताना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई नंबर लाइन हमारी। अब देखिए, अब हमारा ये मान लीजिए जीरो है, अब ये मान लीजिए हमारा 90,00,000 है, राइट, माइनस का, लेकिन क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब ये मान लीजिए ये 90,00,000 है पॉजिटिव वाला, राइट, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 1,00,000 और उसके बाद 2,00,000। अब हमें ये दिखाना है कि ये नंबर्स कहाँ लाए करेंगे, कौन सा पहले लाए करेंगे। अब ये देखिए 98,30,450 है, तो 98,00,000 कहाँ लाए करेगा, इन दोनों के बीच में लाए करेगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे लाए कर रहा है कौन सा, 98,30,450
15। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 1,23,001। ये कहां लाए करेगा? 1 करोड़ के बाद लाए करेगा, यहां कहीं लाए करेगा, राइट? तो ये मान लीजिए यहां पे लाए कर रहा है, कितना? 1,23,001, राइट? अब हमें बताना है लेफ्ट पे कौन सा है। तो पहले ये आया है जीरो के पास, ये वाला आया है नंबर, तो ये हमारा लेफ्ट में है इंस्टेड ऑफ दिस, तो हम यही लिख देंगे क्या कि 98,30,415 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ किसके है 1,23,001 के ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे, राइट? और कौन सा ग्रेटर होगा? अगर हम दोनों नंबर्स कंपेयर करते हैं तो 98,30,415 और बॉक्स बना दिया 1,23,001। इन दोनों में से अगर कंपेयर करें तो हमें पता है ये लेफ्ट में था, ये दूर था, तो ये बड़ा होगा, तो हमने इसकी तरफ ओपन कर दिया अपना साइन। तो दिस इज आवर आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़े वाले की साइड ही हम ओपन करते हैं, स्मॉलर से हमारा मतलब नहीं होता है। दिस इज द आंसर।